बुलंदशहर में डक्कामार बस पर लटके नजर आ रहे हैं युवा। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ यहां पर हो रहा है। डक्कामार बस का वीडियो समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बस की छत पर बैठकर लोग यात्रा कर रहे हैं। हाईवे पर जान जोखिम में डालकर यात्री सफर कर रहे हैं। सयाना कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड का पूरा मामला ये बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखें किस तरीके से बस के ऊपर बैठकर लोग सफर कर रहे हैं और बस के पीछे लटक कर किस तरीके से ये लोग सफर कर रहे हैं। ये देखिए जान से खिलवाड़ लोगों की किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप इस समय देखिए, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की तस्वीरें। बस के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। एक तरफ तो सर्दी का सितम है, दूसरी तरफ इन लोगों की यात्रा करना आप देखिए। डक्कामार बस पर युवा लटके हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने बैग भी टांगा हुआ है। ये देखिए बैग भी टांगा हुआ है, युवा है। ये देखिए तीन लोग पीछे लटके हुए हैं, दो लोग सीढ़ी पर हैं, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति बीच में है इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से खुद को संभाल पा रहा है। हादसा यहां पर हो सकता है, एक बार पैर फिसल गया गलती से भी या फिर हाथ छूट गया तो कोई भी बड़ा हादसा, यहां पर कोई भी अनहोनी हो सकती है। जान जोखिम में डालकर ये युवा सफर कर रहे हैं। कुछ लोग छत पर, बस की छत पर इस समय बैठे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं उन्होंने भी इस समय जान जोखिम में डाली हुई है। और बस के पीछे लटके हुए तीन युवा नजर आ रहे हैं। तीसरा युवक जो कि इस समय बीच में आपको नजर आ रहा है, इसका संतुलन अगर बिगड़ गया तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। मुकेश राजपूत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, हम बस की तस्वीर इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग बस के ऊपर बैठे हुए हैं, बस के पीछे लटके हुए हैं, जान जोखिम में डालकर कोई भी अनहोनी हो सकती है। बिल्कुल काजल जी, बिल्कुल काजल बताना चाहूंगा, बस पर ये छात्र सवार हैं जो कि बड़ी अनहोनी को ये अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की आंखों के सामने ये पूरा मामला आप देख सकती हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है। और इस वायरल वीडियो में जो अनहोनी होने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं वो पूर्ण रूप से बयां हो रही हैं, क्योंकि इस बस पर जो छात्र हैं वो लटकते हुए और बैठे हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला बुलंदशहर के शाना कोतवाली क्षेत्र के शाना गढ़ हाईवे का है, जहां जान जोखिम में डालकर छात्र बस पर सवार होकर अपने सफर को तय कर रहे हैं। और उन छात्रों को यह भी नहीं मालूम कि कितना बड़ा इस सफर से उनको हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ी बात तो काजल यह है कि अफसरों के सामने ये सारा मामला लगातार आए दिन आते रहते हैं, परंतु फिर भी कोई कार्रवाई इन डग्गामार वाहनों पर और ट्रांसपोर्ट के जो अधिकारी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे कि ये डग्गामार वाहन लगातार दिन प्रतिदिन जनपद बुलंदशहर में पनप रहे हैं। मुकेश, ये जो इस समय छात्र दिखाई दे रहे हैं, स्कूली छात्र ये नजर आ रहे हैं, क्या ये स्कूली छात्र हैं जो कि बस के पीछे इस समय लटके हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे ये शाना कोतवाली क्षेत्र के जी जो कॉलेज हैं उनमें छुट्टी होने के बाद कुछ छात्र सवार होते हैं, परंतु यह वीडियो सुबह का बताया जा रहा है, क्योंकि छात्र सुबह को अपने कॉलेज जा रहे हैं और डक्कामार वाहनों पर अपनी जान को जोखिम में डालकर सवार हो रहे हैं। और साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, छात्र इस बस पर लटके हुए हैं और कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम भी दिया जा सकता है, क्योंकि आए दिन प्रतिदिन पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं जगह जगह देखने को, अदर स्टेटों में भी देखने को मिलती है कि डक्कामार वाहनों के चलते बड़े बड़े हादसे होते हैं। परंतु आप देख सकती हैं कि बुलंदशहर में किस तरह से खुलेआम ये डक्कामार वाहन चल रहे हैं। शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़।